And Adibana Kabang is not the authority. They are not the landowner. If they want the real thing, they should come forward. And they should come forward to the bless and stakeholder and discuss. And they should convince the public. They never try to convince the public. And they... हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूँ, आज के दिन में हमारे इंक्योंग में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग फिक्स किया गया था हमारे एबीके द्वारा रिगार्डिंग द फिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10,000 मेगावाट। तो हाल ही में हमारे एबीके जो रिटर्न में दिया गया था, जो पॉइंट नंबर 7 पे, तो उसी का सिलसिला में आज मीटिंग बुलाया गया था। लेकिन दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, आज का मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि हमारे SIFF के सियांग इंडिजिनियस फार्मर फोरम के मेंबर्स लोग, हमारे एबीके के लोग को जो हाल ही में जो सेवन नंबर पॉइंट में दिया गया था रिटर्न में, उसी को रोल बैक करने के लिए कहा गया था, मगर हमारे एबीके के लोग उसे नकार दिया, यानी कि कोई नतीजा उसको नहीं दिया। तो इसीलिए आज का मीटिंग का कोई नतीजा नहीं आया। तो दोस्तों, मैं खुद भी वहाँ मल्टीपर्पज बिल्डिंग पे मैं भी मौजूद था, तो इसीलिए आज का जितने भी मुद्दे थे, मेरा हिसाब से जो मैंने देखा, आप सभी को आज अब मैं दिखाने के लिए कोशिश करूंगा हमारे चैनल का माध्यम से। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का मीटिंग में क्या क्या हुआ था। आज का मीटिंग का कारण यही था, एबीके अदी बने कारण एपेक्स और यूथ विंग पासीघाट सियांग गेस्ट हाउस में 12 जून 2023 को एक मीटिंग बैठा है। उस मीटिंग में उन्होंने लिखा, सियांग मेगाडम सर्वे को एबीके का तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये 7 नंबर पॉइंट में उनका माइनूट का 7 नंबर पॉइंट में लिखा है, ये 12 तारीख के बाद है। उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ, 17 जून को सर्वे पार्टी आ गया हम लोग के एरिया में। खबर सुन के हम 18 को इंक्योंग से पारोंग में डिटेरी में हम लोग गया, तो हम लोग पहुँचते पहुँचते वो सर्वे पार्टी चला गया। तो उस बात को लेके एबीके जो है स्टेक होल्डर को पूछा ही नहीं है, हम लोग को भी कोई बात नहीं किया। यहाँ जो जितना डैम अफेक्टेड पब्लिक से कोई पूछताछ नहीं करके, कोई बात नहीं करके, खुशी खुशी उन लोग हमें सर्वे को हम लोग
कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये लिखा है। इसीलिए हम लोग सिर्फ पार्टी एबी के प्रेसिडेंट को एक अपील लिखा है कि हम लोग डैम नहीं सही है तो सर्वे किया चीज का है, किस बात का, जब डैमे हमको नहीं सही है तो सर्वे किस मूल्य। तो इसीलिए आपका 12 तारीख जून का 7 नंबर पॉइंट को आप रोल बैक करना है, इसको स्ट्राइक आउट करना है, ये हम लोग उन लोग को अपील किया था। तो उसी सिलसिले में उन्होंने खुद एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाया हम लोग को, सिर्फ पार्टी को, इसलिए हम लोग आज यह कोऑर्डिनेशन मीटिंग में हम लोग बैठा है। तो जितना इफेक्टेड डैम इफेक्टेड पार्टी बस्ती से सब रिप्रेजेंटेटिव आया, सभी ने डिमांड था एबी के कौन होता है हम लोग को नहीं पूछ के हमारा जमीन को बिक्री करने वाला, एबी के कौन होता है हम लोग को स्टेक होल्डर को नहीं पूछ के खुशी मुर्जी सर्वे कर सकता है बोल के बोलने लग कौन होता है। इसलिए एबी के इसको 7 नंबर पॉइंट को 12 तारीख का 12 जून 2023 का 7 नंबर पॉइंट को रोल बैक करना है बोल के सब प्रेशर दिया और माइनूट हम लोग इसी प्रकार ड्राफ्टिंग किया। उन्होंने को बोला है सिग्नेचर करो, उन्होंने बोला है नहीं हम लोग सिग्नेचर नहीं करेगा बोल के उन वॉकआउट हो गए। बस इतने और कुछ पूछना है तो सर आपको ओपिनियन दीजिए कि आज का मीटिंग का रेजोल्यूशन का क्या मतलब था। देखिए आज का ये मीटिंग का रिजोल्यूशन आने से पहले पोलू चला गया तो अभी हम लोग का प्रेसिडेंट सर ने बता चुका है ऑलरेडी। हम लोग का आज का वो अपील था कि एबी के प्रेसिडेंट पोलू ये एबी के यूथ विंग प्रेसिडेंट सब आया हुआ था आज का दिन को। हम लोग सोचता था कि उन लोग आके हम लोग को कुछ क्लियरिफिकेशन देगा उसका बारे में जो उन लोग ने 12 जून 2013 को किया है 2023 को किया है। तो हम लोग का ये जितना आज का पब्लिक जो जो भी आया है उसका ये सवाल था, उसका ये अपील था कि आप लोग 12 जून 2023 का 7 नंबर को आप लोग रोल बैक कीजिए या विथड्रॉ कीजिए, अदरवाइज इतना तो भी बोला है कि उनको ओरिजिनेशन भी देने के लिए। तो हम लोग जितना यहाँ में आया है उसका वो राय लेके बैठा हुआ था कि हम लोग प्रेसिडेंट सर हम लोग को क्या रिएक्शन देगा, लेकिन हम लोग उन लोग का एक्चुअली बोलने से आज का जो मीटिंग है वो भी मीटिंग का डेकोरम मेंटेन नहीं किया उन लोग ने। मीटिंग होने से पहले एक ड्राफ्टिंग कमिटी रखना चाहिए था उन लोग का तरफ से, वो भी नहीं रखा है। मीटिंग होने से पहले एक चेयरमैन भी रखना चाहिए था, वो भी नहीं रखा है। फिर भी चलो हम लोग का SIFF टीम जो है हम लोग का एक ड्राफ्टिंग कमिटी रख के आज रिजोल्यूशन पास किया है जो अधिबान केबांग और हम लोग का SIFF ने मीटिंग किया था। तो वो मीटिंग का रिजोल्यूशन कागज आने से पहले उन लोग चला गया। तो हम लोग का यही अपील है आज अभी भी यही हम कहना चाहूँगा उन लोगों से जो अधिबान केबांग जिन लोगों ने ये हम लोग सर्वे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं बोल के जो साइन किया है उन लोग हम लोग को इसका आज का हम लोग का अपील का आंसर उन लोग विद इन 7 डेज का अंदर में उन लोग हम लोग को देना चाहिए। बस इतना ही मेरा कहना। जुलाई 2023 आई एम मेकिंग दिस वीडियो सेट फॉर CM Pema Khandu एंड डेप्यूटी CM Sonamen on 19 December 2019 you came to Incheon along with Sonamen, Tapir Gao, Alaw Lee Wang and other dignitaries for inauguration of Yeorung Bridge. During your visit to Upper Siang District, we had a meeting with you at Circuit House Incheon, wherein you had assured to us that if public do not at all want megadam over Siang River, no megadam will be constructed over Siang River. In this connection, I would like to show this newspaper wherein you had stated that state government will not accept Niti Aayog's proposal for construction of 10,000 megawatt over Siang River. So in this connection, I would like to remind, sir, you that in spite of your
promise to the public in the general ground here at Yingkiong that again you are taking up this issue with NSPC and Government of India. So all the stakeholders of Upper Siang District are totally against this construction of mega dam over Siang River. And the local MLA of this 34-20 Yingkiong, Mr. Aloli Wang, who is the present Health and Family Welfare Minister of Government of Arunachal, in the public meeting, that he promised even to provide some donations for fight against construction of mega dam over Siang River. So I am totally against the statement made by Sonamen, against the statement made by Tapirgao, against the statement made by Aloli Wang, Honorable Minister Health and Family Welfare. And above all, I would like to recall through this 24/7 news channel, Upper Siang District, that if Pema Khandu hear my voice, please scrap this proposal forever as you had promised. When you came to Yingkiong and for inauguration of Yorong Bridge at the which you have delivered lecture at the General Ground Upper Siang District Yingkiong. Thank you very much. सर ये लोग आज का जो मीटिंग हुआ है रेजोल्यूशन बिटवीन एबीके एंड एसआईएफएफ आप उसके बारे में थोड़ा एलाबोरेट कीजिए और बताइए कि कितना लोग सच में अपोजिट किसको डैम चाहिए किसको डैम नहीं चाहिए वो आप क्लेरिफाई दीजिए इसमें हम लोग का हम जहाँ तक देखा ना 2012 से लेके हम डैम एक्टिविस्ट है तो ये रिसेंटली जो अभी बाने के बाद हो रहा है ये जो है स्टेक होल्डर से भी नहीं पूछा और उसका बाद उन लोग को गवर्नमेंट को प्लीज करने के लिए लाइक पासीघाट लाइक ईटानगर में मीटिंग करके गवर्नमेंट का साथ में डिस्कस कर रहे हैं और बार 12 ये में 12 जून में उन लोग एक रेजोल्यूशन पास किए हैं लेकिन हम लोग ये सोर्स में भी सुना है उन लोग को अंदर में उस मीटिंग में भी उन लोग मैक्सिमम जो है उसको जितना सर्वे ये है फिजिबिलिटी सर्वे है पी एफ आर है उसको स्टेक होल्डर के ऊपर में चढ़ने के लिए कहा है लेकिन फॉर पर्सनल इंटरेस्ट उसको मैनिपुलेट करके माइनोडोर मीटिंग को मैनिपुलेट करके उन लोग उसमें लिखा है अभी बाने के बाद ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें उसका बाद 14 ऑफ द जून राजदान में सर्वे करने लग गया तो हम लोग अफेक्टेड ब्लेजेस वी हैव अराउंड 29 ब्लेजेस ये अफेक्टेड है ये अफेक्टेड एरिया में 80-90% एंटी है हम लोग दाम नहीं चाहिए अच्छा अगर दाम नहीं चाहिए फिजिबिलिटी होने से भी हम लोग को दाम नहीं चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फिजिबिलिटी रिपोर्ट तो इसको अलाउ करने का नहीं है एंड अभी बाने के बाद इज नॉट द अथॉरिटी दे आर नॉट लैंड ओनर इफ दे वांट द रियल थिंग दे शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड कम फॉरवर्ड टू ब्लेस एंड स्टेक होल्डर एंड डिस्कस एंड दे शुड कन्विंस द पब्लिक दे नेवर ट्राई टू कन्विंस द पब्लिक and they have went to Itanagar many times and they have talked to the government talked to CM without concern of the public today we have conduct they have called the meeting for our appeal to withdraw the serial number 7 of the minor doubt meeting of 12 June but they have walked 100% of the stakeholder, they oppose. They ask them, even they blame them, to withdraw the serial number 7. But they walk out. They have no answer. If you have the audio or video record, detail of the meeting, you can see what they have answered to the public. They have no voice.
not a single point, no single advice. They have keep mum because they are wrong. They are only to please the government and these companies for personal benefit. That is my view. If any problem, we are here and we'll talk when we know the ground reality. If anybody says Maximum is pro, I call, I welcome that person. Conduct a meeting in any place. If anyone found 60-50% pro, they will never find even 5% pro them in any place. आपका कहना है 95% is anti them. Exactly, 95%, I think, especially in my place, is 100%. And in some places, in Laiga, Geku, and Komkar, and Parong, where this Ryu, Riga, this where this dam is going to be constructed, that is 100%. Only those who are speaking 68, those who are saying that there is pro dam, it means they want only please the government and to win something from company. That must. Let's go in reality. Thank you. तो आज का जो मीटिंग हुआ था सर, तो उसमें था कि आप लोग सर्वे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो एबीके ने विदाउट परमिशन अलाउ किया है, तो उसके लिए आपने क्या स्टेप लिया आप सर एलाबोरेटली? हिंदी और इंग्लिश में तो सब बोल दिया है, मैं आदि में बोल दूंगा. और वो लोग मुंके हिनाम इनको आदि वाले के बांग वो लोग इगुरे होला मुझे नाम पन्ना बिया ना वो लोग पास कर बलो मीटिंग को रूला मीटिंग दे लो सेवेंटम बोलो आदि वाले तोलिगला सर्वे इलारो अम्ला तोलिगलो हैं बोले बोले वेलो गाड़ी अम्मा ला यों आला डीटे डी में वेलो सर्वे इरु नाम बोलू वक्तो कांगला केवंग को इतो इतो नमें कम अति एपिंग मंग ये दम वो एपायर वाला डीसी पासिगत या डीसी बोलें एसपी बोलें ओसी बोलें लो एपायर को लॉस ला वो बतुम हिलो लो अति एक्शन का मंग दे दे वालु दूर नमे ही नमे दूर है मिलो ला वो एपायर लॉस तो इधर ला हिलो लो एपायर हो अतिरुंग रिपोर्ट अति काकुबा नाम लगा वालु दूर तो ला हिलो केवल एटेन तो ला अति माने केवल लो एपायर लॉस नाम को पीएम वो हिलो सबमिट तो दरनो अति माने कबांग हिलो बुलुक बुलुनोक अपीलम कंप्लेन अम तोलिप्तों तोलिमान तो हिलो अति माने कबांग वो कंप्लेन अम तोलिगला कंप्लेन रिसीवर कम बुलु बम के कु दलो के इकोनॉमिक वाना ने बुलु के डीसी बोले एसपी बोले ओसी बोले तकाम वो कंप्लेन बिलिंग अला हिलो लास्ट दी अति माने कबाल अ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हिलो वो कंप्लेन लेता राम बिलिंग तो एक बार लॉस नाम कंप्लेन लेता राम बिलिंग तो Deng, nolubun takawa lukan ini nama. Thank you.